अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यमी, बहुत बहुत ही टेस्टी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी, जो है एक पिज्ज़ा की रेसिपी, और वो भी विदाउट अवन के और विदाउट ईस्ट के। बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाती है, बनिस्बत ईस्ट वाले डो के जो बहुत टाइम लेता है बनने में भी। सुबह से आप शुरू करें, इसको 2-3 बार प्रूफिंग दें और फिर शाम को जाके वो पिज्ज़ा तैयार होता है आपका। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 to 20-25 minutes एट द मोस्ट लगेंगे, और ये जल्दी तैयार भी हो जाएगा। इसका क्रस्ट बहुत ही यमी और सॉफ्ट भी बनेगा। अगर आप इसे क्रिस्पी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग सोडा डाल के छान लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है और मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। ये दही खट्टी है और इसमें हमें खट्टी दही ही चाहिए। ईस्ट का काम हम इस दही से लेंगे इसमें। मैंने ये 3 टेबलस्पून के करीब दही ली है, उसको अच्छे से बीट कर लिया। ये गाढ़ी दही है, पानी वाली ना लीजिएगा। अगर पानी वाली हो तो कोशिश करके उसका पानी छान के फिर लीजिए। मैं अभी इसको 1.5 टेबलस्पून के करीब दही डालूंगी और मैं इसे मिक्स करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और ऐड करूंगी। इसमें पानी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ दही से इसे नीट करेंगे। मेरे हाथ धोए हुए हैं, साफ़ है, इसीलिए मैं इसको हाथों से नीट कर रही हूँ। मुझे दही चाहिए होगी, और दही एक साथ हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि मैदे में दही बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, फिर मैदा बहुत स्टिकी हो जाता है, और फिर आपको उसको स्टिकनेस दूर करने के लिए आपको और मैदा डालना पड़ता है, तो क्वांटिटी फिर बढ़ जाती है। इसलिए इसे सॉफ्ट गूंदना है और रूम टेम्परेचर वाला दही ले आप। ये देखें, अभी भी मुझे दही की ज़रूरत होगी तो मैं ये और ऐड कर रही हूँ। वन कप मैदे में 3.5 टेबलस्पून के करीब बीट की हुई दही गई है, लेकिन मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये सारी जो रह गई है वो भी मैं यूज़ कर लूँगी दही। अच्छा, मैं इस वक्त आपको ये भी बता दूँ, इस डो में अगर आप चाहें तो आप बेजल डाल सकते हैं, ड्राइड ओरिगैनो डाल सकते हैं। अगर आप क्रस्ट को थोड़ा टेस्ट देना चाहते हैं, थोड़ा फ्लेवर देना चाहते हैं, तो ये देखें, इसको अच्छे से नीट करें, आटे को गूंदें अच्छे से दही के साथ। इसमें आप देखें, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये ऐसे ही गूंद जाएगा पानी के बगैर। पानी की जगह आप रूम टेम्परेचर वाला दही यूज़ करेंगे, और लिक्विड वाला दही नहीं यूज़ कीजिएगा प्लीज़। लिक्विड वाला दही हो तो उसका पानी ड्रेन करके सिर्फ और सिर्फ दही यूज़ करेंगे आप, ताकि ये जब हम इसे रेस्ट पे रखें तो ये ईस्ट वाला काम करे दही। ये देखें, ये मैंने सारा नीट कर लिया,
अब मैं इसे अच्छे से 2 मिनट के करीब गूंदूंगी। ताकि इसका ग्लूटन एक्टिवेट हो जाए और ये हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफी बने। ये देखिए जी, ये डो देखें, इसमें ग्लूटन एक्टिवेट हो रहा है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और मैं इसे ऑयल के साथ नीट करूंगी। ये बहुत ही यमी पिज़्ज़ा बनता है अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनेगा और आप, मेरी गारंटी है, आप बार बार बनाएंगे। और मैं आपको आज बताऊंगी इसे अवन पे, अवन के बगैर कैसे बना सकते हैं। सबके घरों में अवन नहीं होता या एट टाइम्स यू नो मूड नहीं होता अवन को जलाना, उसे गर्म करना, फिर उसमें ये पिज़्ज़ा बनाना। इंसान थक भी जाता है और दिल भी चाह रहा होता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह टाइम भी बचाया जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और अच्छे से अच्छा पिज़्ज़ा भी हमारा बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, ये घून चुका है और मैं अब इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और आगे का प्रोसेस क्या होगा। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करती हूँ जो बार बार करती आ रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। रेसिपीज़ मेरी आपको पसंद आएँ तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आपका आपकी रेसिपी कैसे बनके तैयार होती है, आपको मज़ा आता है, नहीं आता है, टेस्ट कैसा लगता है आपको, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए जी, इसके साथ मैं इसे रख देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक लिड लगा दूंगी और मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जी, हमारे डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। ये मैं ये मैंने डो को ले लिया है और मैं इसे अब बेलन पे थोड़ा बेल लूँगी। इससे पहले मैं अपना स्टोव ऑन करती हूँ और मैं अपना फ्राइंग पैन गरम करने रख रही हूँ। हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका एक सर्कल अच्छा सा आ जाए। आप अगर बहुत थिन क्रस्ट पसंद करते हैं तो आप इसे बहुत ज़्यादा बेल के पतला कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को थिक क्रस्ट पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं बेलूँगी, मैं थोड़ा इसे मोटा ही रखूंगी।
मैंने ओवन को आई एम सॉरी मैंने फ्राइंग पैन को स्लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया है जब तक हमारा पेस्ट भी तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि डो किस कदर अच्छा नीड हुआ है कि मुझे ना स्टिकी है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, बिल्कुल सही है ताकि मैं इसे विदाउट ड्राई मैदे के टस्ट किए हुए मैं इसे बेल सकती हूँ आराम से और ये चिपक भी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए हमें। आप इसे हाथ से थोड़ा पुल करके किनारियों से आप इसे यूं पिज्ज़ा का शेप दे सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मैं थोड़ा आगे ले लूँ, अब मुझे दूसरे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मैं साइड से ज़रा हटा दूँ ताकि आप लोग अच्छे से व्यू कर सकें, क्योंकि मेरी किचन में स्पेस की थोड़ी कमी है। ओह सॉरी, ये देखिए जी, मैंने अपना पैन बिल्कुल स्लो हीट पे गरम करने रख दिया था। अब मैं इसमें ये पिज्ज़ा डाल दूँगी, पिज्ज़ा का क्रस्ट यूँ। थोड़ा फैला दूँगी और इसको दो मिनट के लिए एट द मोस्ट आप इसे इस तरह बेक होने दें, इसे थोड़ा सा फ्राई होने दें। फिर जैसे ही एक मिनट हो जाए, एक डेढ़ मिनट के करीब, आप इसकी साइड पलटा दें। ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब इसमें हम करेंगे क्या जी, हम करेंगे इसमें हमारी टॉपिंग की फिलिंग। इसमें है मेरे पास पिज्ज़ा सॉस, ये मैं बेस पे अच्छे से लगा दूंगी हर तरफ से। अच्छे से फैला दें ताकि हर बाइट में इसका मज़ा आए। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हमारे वेजिटेबल्स। मेरे पास हैं बॉइल्ड किए हुए थोड़े कॉर्न, चॉप किया हुआ कैप्सिकम और चॉप
चॉप किया हुआ अनियन, वो मैं फैला दूंगी थोड़ा सा। आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मेरे घर में ऑलिव्स ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए अपने पैन की। ये देखिए जी, अभी से इतना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में भी। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास चिकन तंदूरी पीसेस हैं जो मैंने घर में बनाए थे और मैंने श्रेड कर दिया था, तो मैं वो तंदूरी पीसेस भी डाल दूंगी इसमें। मुझे ज़्यादा मोज़रेला चीज़ पसंद नहीं है, सो मैं चेडार चीज़ और मैं एक स्लाइस चीज़ का डालूंगी। ये डाला, अच्छे से चिकन डाले ताकि हर जगह चिकन मिले। ठीक है जी, अब मैं इसमें स्पाइसेस कुछ ऐड करूंगी जो है गार्लिक सॉल्ट आधी चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो आप डालें, नहीं हो तो ना डालें। ये है बेजल लीव्स, ये भी आधी चम्मच है, ड्राइड है। ये ऑर्गेनो है ड्राइड, हाफ टी स्पून, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। ये हो गया, अब हम डालेंगे इसमें चीज़। ये मैं स्लाइस एक डाल रही हूँ चीज़ की, मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मेल्ट भी बहुत अच्छे से होता है। ये चीज़ डाल दिया मैंने, एक स्लाइस चीज़ डाल दी। अब मैं श्रेडेड चीज़ डालूँ, उससे पहले मैं हॉट सॉस भी डालूँगी इसमें थोड़ा सा। ये मेरे पास है हॉट सॉस,
तकरीबन डेढ़ चम्मच के करीब है, इसमें से मैं ये थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल रही हूँ ताकि जब आप खाएं, अगर आपने चिली, आपको चिली मिर्चें नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, तो आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं, या आप अगर नहीं हॉट सॉस घर में हो तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी श्रेडेड चीज़, ये श्रेडेड चेडर चीज है, हर जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। मुझे चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डाल रही हूँ। ये सारा चीज़ चला गया, अब हमने इसे 10 मिनट के करीब इसी तरह बेक करने रखना है। सिर्फ लिड लगा लें आप, ऊपर लिड लगा के इसे बेक करें 10 मिनट के करीब, तब तक ये सारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने ये डाल दिया, चीज़ मेल्ट होने के लिए रख दिया। अब मैं आपको 10 मिनट बाद बताती हूँ कि ये कैसा हो गया, मेरे साथ बने रहिए जी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमारे पिज्ज़ा को बेक होते होते, ये देखिए जी, ये देखिए गर्मा गर्म पिज्ज़ा तैयार है हमारा। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, मैं इसे पैन में डाल देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है इसका बेस, हमारा फैंटास्टिक सा पिज्ज़ा विदाउट अवन विदाउट ईस्ट तैयार है, गर्मा गर्म पिज्ज़ा है। इसे सर्व कीजिए आप केचप के साथ और बहुत सी चीज़ों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, गार्लिक ऑयल डाल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मैं इसे आपको काट के भी दिखाती हूँ जी। ये हमारा पिज़्ज़ा गर्मा गर्म तैयार है, मैं इसे कट करके आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए जी हमारा होममेड विदाउट
अवन विदाउट ईस्ट पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी बहुत यमी बना है। और इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत टेस्टी बहुत यमी रेसिपी लगेगी। और मेरा दावा है कि आप एक बार ट्राई करेंगे आप बार बार करेंगे। जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा और आपके घर के खानों में बरकत रहे, आपके घरों में रिस्क रहे। और आप जब भी बाहर जाएं प्लीज़ मास्क पहने, अपना भी ख्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें और मास्क के बगैर बाहर ना निकले। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। दोबारा हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।